सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं विशेष करके यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आज शाम में यूपीएससी ने 2025 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। इस एग्जाम कैलेंडर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जिस पर कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। एज आई सेड दैट द यूपीएससी हैज रिलीज द एग्जाम कैलेंडर फॉर द ईयर 2025। इस एग्जाम कैलेंडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देखिए, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम जो है सिविल सर्विस का, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन May 25th, यह संडे को होना है। इससे पहले आप देखिए कि जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है यह 22 जनवरी को आएगा, एग्जाम कैलेंडर ऐसा बोलता है। और जो लास्ट डे है फॉर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म, दैट इज 11th of February। तो यानी कि आपके पास जो एग्जाम का डेट है दैट इज 25th of May। What is interesting और जो कि बहुत ही crucial है, खास करके आप लोग अगले साल यूपीएससी का prelims और mains देंगे, exam calendar यह बोलता है कि civil service का जो mains exam है 2025 का, यह आपको 22 अगस्त से शुरू होगा और यह 5 दिनों तक चलेगा। कहने का यह मतलब है, आप देखिए कि जो यूपीएससी का prelims exam होना है वह होगा 25 मई को और जो मेंस एग्जाम है वह 22 अगस्त को है। सो रफली यू हैव अबाउट 3 months प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि 3 महीने में किसी मेंस एग्जाम को तैयार करे, चाहे वह यूपीएससी का मेंस हो या बीपीएससी का मेंस हो। तो आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिए कि दिस ईयर इटसेल्फ यू मस्ट वर्क बोथ ऑन प्रीलिम्स एंड मेंस। आपका यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पर आपको फोकस रखना है, एटलीस्ट टिल जनवरी टिल मिड फेब जो है आपको मेंस पर काम करते रहना है और उसके बाद एंटायरली फोकसिंग ऑन द प्रीलिम्स एग्जाम। इफ वी टॉक अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, नाउ इसमें जो है यह चीज देखने वाली बात है कि बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, जो 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि यूपीएससी का मेंस एग्जाम आपका अगस्त में खत्म हो जाएगा। और जो बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर ऐसा बोलता है कि हर साल 30 सितंबर को प्रीलिम्स एग्जाम होना है, तो कहने का मतलब है कि बीपीएससी प्रीलिम्स इफ वी टॉक अबाउट दैट इज द 71st बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर यही बोलेगा कि यह सितंबर 30 को होना है। ऑफकोर्स अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का एक्सीजेंसी आता है, कुछ इस तरह की स्थिति आती है, तो एग्जाम का डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन सामान्य समय में यह कहना है यूपीएससी मेंस का डेट और बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट यह क्लैश नहीं हो रहा है और यह आपके लिए अच्छी खबर है। इससे यह होगा कि आप यूपीएससी का जो मेंस है उस पर भी फोकस कर सकते हैं, साथ में बीपीएससी प्रीलिम्स 71st उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। नाउ वन थिंग विच इज वेरी क्रूशियल इज कि बीपीएससी और यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बीपीएससी का एग्जाम भी देते हैं, यूपीएससी का देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीपीएससी मेंस का एग्जाम और यूपीएससी मेंस एग्जाम बोथ ओवरलैप, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि आपका बीपीएससी और यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एक साथ आपकी तैयारी कवर हो। नाउ द पॉइंट इज कि आपको जब 3 महीने में सिर्फ गैप आपको मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो जरूरी होता है कि आप अपने कंटेंट को इनरिच करते चले, साथ में आंसर राइटिंग जो है यह भी करते चले। दिस इज वेरी क्रूशियल। जहां तक बीपीएससी के अपडेट की बात है, तो मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट आना है दैट इज 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट, दैट शुड कम एनी टाइम नाउ। हालांकि जो एग्जाम का कैलेंडर है वह डेडलाइन तो मिस हो चुका है, लेकिन इट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बीपीएससी कि एज सून एज पॉसिबल जो है वह रिजल्ट को जारी करे। दूसरी बात यह है
कि जो अगस्त 18 से 27 का जो इंटरव्यू का डेट है, यह ऐसा लग रहा है कि इट विल एक्सटेंड फर्दर बिकॉज द रिजल्ट हैज बीन डिलेड एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अगस्त 31 को जो फाइनल रिजल्ट आने का डेडलाइन था, यह भी बीपीएससी मोस्ट लाइकली इट विल मिस, क्योंकि जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उसके लिए एक रीजनेबल टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी होता है कैंडिडेट्स। सिमिलरली जो 70th बीपीएससी की अगर बात करें तो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ दो स्थिति बन रही है। एक तो यह है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है रिजर्वेशन को लेकर इन सेप्टेम्बर, उसका वेट करें और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी करें और फाइनली जो एग्जाम है वह कंडक्ट हो। अगर यह स्थिति बनती है तो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स इट वुड गो इन अक्टूबर और नवंबर, जो कि ऐसा पॉसिबल है। सेकेंड अल्टरनेटिव यह हो सकता है कि जो ओल्ड रिजर्वेशन की पॉलिसी है जिसमें कि 50% कैप है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस 1992 में दिया गया था, उसी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर सरकार आगे बढ़ जाए, बीपीएससी आगे बढ़ जाए और 70th का नोटिफिकेशन आए। बट द इश्यू इज कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो सरकार हमेशा यह चाहेगी कि पॉलिटिकल वोट बैंक है, इलेक्शन का जो सपोर्ट होता है स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट सेक्शन, वह सरकार हमेशा चाहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद उतनी जल्दबाजी में नहीं हो। इट माइट वेट फॉर द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी टेकन इन केस ऑफ रिजर्वेशन। और अगर ऐसा होता है कि बिहार सरकार का 65% रिजर्वेशन का जो डिसीजन है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है, इट माइट बी पॉसिबल, तो उस केस में जो एग्जाम है 70th का वह डिले होगा। जहां तक ऑन टाइम होने की बात है, इट नीड्स टू बी सीन। हालांकि अभी सर्टनली कुछ भी कहना बहुत ही कठिन है, इसके बारे में एजम्पशन करना भी आई थिंक दिस वुड नॉट बी फेयर। बट द बॉटम लाइन इज कि आपको 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार रहना है, आपकी तैयारी फुल फ्लेज्ड फुल मोमेंटम के साथ होनी चाहिए। यू टेक इट दैट द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 30th ऑफ सेप्टेम्बर और इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली द फ्रेश वीडियो ऑन द अपकमिंग एग्जाम्स। Until then, goodbye.